हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल कल्चर की मेंटेनेंस। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में देखा एनिमल टिश्यू कल्चर क्या है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, कौन से कल्चर मीडियम्स हम यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज हम देखेंगे कि कैसे हम कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। एनिमल सेल कल्चर जब ग्रो करना शुरू कर गए इन विट्रो में, तो उनको आगे ग्रो करते रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, और कैसे हम एक कल्चर को एक बार एनिमल से लेके, एक बार एक्सप्लांट लेके उसको हम रनिंग फॉर्म में, एक कॉन्टिन्यूस सेल लाइन की फॉर्म में कैसे रख सकते हैं, कैसे उसके स्टॉक्स हम अवेलेबल रख सकते हैं थ्रू आउट फ्यूचर यूज़ के लिए, कि हमें बार बार एनिमल पे ना जाना पड़े। तो आज के इस टॉपिक में हम जो चीज़ें कवर करेंगे, दे इंक्लूड सब कल्चरिंग, कैसे हम सब कल्चर करते हैं, दे विल इंक्लूड सेल प्रिजर्वेशन, कैसे हम सेल्स को प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज और हम उसको बाद में यूज कर सकें व्हेन टाइम अराइव्स। तीसरा, कौन कौन सी कॉमनली यूज सेल लाइंस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें उससे मिलते हैं, एंड देन वी विल हैव टू और थ्री स्लाइड्स ऑन कैसे हम सेल सेपरेशन करते हैं, क्यों जरूरी है सेल सेपरेशन और कैसे ये की जाती है, कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें यूजफुल हैं। तो पहला स्लाइड पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा इनिशिएशन ऑफ सेल कल्चर, हमने देख लिया कि सेल कल्चर हम इनिशिएशन कहाँ से करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक्सप्लांट रहेगा, दैट कैन बी एन एनिमल टिश्यू, दैट कैन बी एन एम्ब्रियो, दैट कैन बी एनीथिंग, जहाँ से आप टिश्यू को इनिशिएट करेंगे, टिश्यू कल्चर को इनिशिएट करेंगे। तो वंस आपने इस एक्सप्लांट से आपने टिश्यू ले लिया, उसको आपने फाइनली कट कर लिया, उसको आपने एंजाइमेटिक डाइजेशन कर ली, उसके बाद आप उसको मीडिया में डाल देते हैं। मीडिया में डालने के बाद वो सेल कल्चर, वो सेल जो सेल्स आपके इस एक्सप्लांट से डिराइव हुए हैं, वो दो फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। दे कैन आइदर ग्रो एज ए मोनोलेयर, एडहेरेंट मोनोलेयर मींस एक एडहेरेंट फॉर्म में सेल कल्चर वेसल से बॉटम के ऊपर चिपक के, और सस्पेंशन फॉर्म में, मेरे मीडिया में सस्पेंडेड सेल्स की फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली आपके जितने भी कल्चर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एडहेरेंट कल्चर्स, लेकिन जो आपके ब्लड डिराइव्ड सेल्स हैं, जो लिकीमियाज हैं, लिम्फोमाज हैं या ब्लड सेल्स हैं, वो आपके ग्रो करते हैं एज सस्पेंशन कल्चर्स। सो वंस वी हैव ए सेल कल्चर इन प्लेस, आपने एक एक्सप्लांट से स्टार्ट करके आप सेल कल्चर तक आ गए, उसके बाद उस सेल कल्चर को आगे रनिंग, बिकॉज एक टाइम आएगा कि जैसे ही आपने उसको जिस वेसल में डाला, उसमें जो मीडिया आपने डाला है, उसको यूटिलाइज करके वो सेल्स ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, और ग्रो करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी कि उस मीडियम के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिप्लीट हो गए, और जो जगह है उस सेल वेसल के अंदर, जो वेसल आप यूज कर रहे हैं, बी इट ए फ्लास्क, बी इट ए पेट्री प्लेट, और बी इट ए कल्चर डिश, जो भी वो चीज़ है, वो जगह भी कम पड़ जाएगी और आपका मीडियम भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। उस केस में हम बोलेंगे कि सेल कल्चर कॉन्फ्लुएंट हो गया है, जगह इट्स अबाउट इट्स बिकम कॉन्फ्लुएंट। तो कॉन्फ्लुएंट कल्चर्स को आपने सब कल्चर करने की जरूरत है, बिकॉज एडहेरेंट कल्चर्स की फॉर्म में वो मोनो लेयर्स के बजाय लेयर, एक और एक्स्ट्रा लेयर आना शुरू हो जाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ, जो सेल्स आपके हैं वहाँ पे, बिकॉज ऑफ लेस कंपोनेंट्स इन द मीडिया एंड लेस स्पेस अवेलेबल, सेल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए सेल कल्चरिंग करनी है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। सो कैसे हम सब कल्चरिंग करते हैं, तो दिस एक छोटी सी स्लाइड है जो आपको बता रहा है कि कैसे मेंटेन करते हैं आप सेल कल्चर को। वंस योर सेल्स आर ग्रोइंग एज ए मोनो लेयर, एक फ्लास्क के अंदर लगभग एक वीक के आसपास, 4 से 7 दिन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहां से डेंसिटी, किस डेंसिटी से स्टार्ट किया, तो एक वीक के बाद आपने मीडियम को रिमूव कर लिया, जो आपका सेल एक मोनोलेयर के फॉर्म में ग्रो करते हैं, उसको एक बफर सॉल्यूशन से वॉश किया, उस बफर सॉल्यूशन को यहां पे हमने नाम दे दिया पीबीएस, फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन। उसके बाद वंस इट इज वॉश्ड, आपने उसके बाद उसमें एक एंजाइम ऐड किया ट्रिप्सिन। जो एडहेरेंट सेल कल्चर्स हैं, दे आर using cell adhesion molecules to attach to the substratum. तो trypsin क्या करेगा, उन cell adhesion molecules को या surface proteins को जो adhesion में मदद करते हैं, उनको तोड़ देगा, उनको dismantle कर देगा, जिससे आपके cells जो हैं वो एक adherent state से निकल के एक loose suspended state में आना शुरू हो जाएंगे। तो once एक आपने trypsin डालते time ध्यान रखना है कि trypsin डालते time आपने उसको ओवर एक्सपोजर नहीं करना है। ट्रिप्सिन का जो ट्रीटमेंट है, दैट शुड बी फॉर 2 to 3 minutes एट द मैक्स एट 37 degrees Celsius। तो वंस यू एड द ट्रिप्सिन, यू नीड टू कीप द फ्लास्क इन द इंक्यूबेटर। आपने इंक्यूबेटर में रख दिया, उसको 2 से 3 मिनट का आपने इंक्यूबेशन दे दिया। आफ्टर दैट यू टेक द फ्लास्क आउट, ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व करेगा कि सेल्स जो है वो डिटैच हो चुके हैं। तो जब सेल्स राउंड होकर डिटैच होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने उन सेल्स को बाहर निकालना है उस वेसल में से यूजिंग फ्रेश मीडिया। आपने फ्रेश मीडिया डालने के दो काम है, एक तो ट्रिप्सिन डाइल्यूट हो जाता है, ट्रिप्सिन का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है, प्लस सेल्स को सस्पेंड करने में भी फ्रेश मीडिया आपका मदद करता है।
फिर उस फ्रेश मीडिया को आपने एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेके उसको सेंट्रीफ्यूज आप कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेल पैलेट आएगा उसको रीसस्पेंड करके कम डेंसिटी पे एक नए फ्लास्क में सीड कर देंगे। मतलब जो भी आपके सेल्स सपोज एक फ्लास्क से निकलते हैं, उन फ्लास्क एक सेल्स को आप नेक्स्ट 3 या 5 फ्लास्क में डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको सेल्स चाहिए या नहीं चाहिए। मीन्स आपकी डेंसिटी जो है, जो आगे सब कल्चरिंग की रेशियो है, वो कैन बी 3 or 1:3 or 1:5 डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप और उसका ग्रोथ टाइम कितना है। अकॉर्डिंगली यू कैन डू ए सब कल्चरिंग रेशियो ऑफ 1:3 or 1:5, यानी कि एक फ्लास्क से निकले हुए सेल को आप नए 3 फ्लास्क में डाल सकते हैं या नए 5 फ्लास्क में डाल सकते हैं। 2 फैक्टर्स कंसीडर करने हैं आपने, वो सेल कितनी जल्दी ग्रो करता है और आपने स्टार्टिंग में उसको कितना सेल आप डाल रहे हो। 3 सेल 3 बार डालोगे, 1:3 करेंगे अगर हम, तो उसके बाद आपको जल्द ही वो कॉन्फ्लुएंट हो जाएंगे। 1:5 करोगे तो कम कॉन्फ्लुएंट होंगे। मूविंग ऑन, तो एज मैंने बता दिया कि आपको सब कल्चरिंग कैसे करनी है। जब एक सेल्स आपके पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर स्पेस उन्होंने अक्वायर कर ली, मोर देन 80% जब उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली हो, तो उसके बाद हम प्रेफरेबली उसको सब कल्चर कर देते हैं। और अडेरेंट कल्चर की फॉर्म में आपको ट्रिप्सिन यूज करना है, बिकॉज दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम और सस्पेंशन लंबे लाने के लिए उनको डिटैच करना बड़ा जरूरी है। वेयर एज सस्पेंशन के केस में सेल्स जो है ऑलरेडी डिटैच होते हैं, आपको उनको बस मीडिया में सस्पेंडेड फॉर्म में बाहर निकालना है। दोनों ही केस में आपने सेंट्रीफ्यूज करना है, जो आपका पुराना मीडिया होगा वो निकाल देना है, नया मीडिया डाल के उसको फिर से सस्पेंड करना है इनटू 2 or 3 फ्लास्क्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाँ, और अगर आपको सेल्स नहीं चाहिए, सपोज आपके एक फ्लास्क में सेल ग्रो कर गए और आपको अभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन आप उन सेल्स को स्ट्रेस में नहीं आना देना चाहते, तो आपने उसको सब कल्चर तो कर दिया, लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा सेल बचे, क्योंकि आपके पास एक फ्लास्क में से लेट से 3 फ्लास्क का इनोकुलम निकला, तो आप उसको उसमें से एक फ्लास्क तो नया इनोकुलेट करोगे, जो 2 फ्लास्क का मटेरियल बच जाएगा, जो 2 फ्लास्क के सेल बच जाएंगे, उनको आप फेंकेंगे नहीं, उनको आप स्टोर कर सकते हैं, ताकि उन सेल्स को अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप उनको वापस रिवाइव करके यूज कर सको। सो दिस इज हाउ एंड वाई सेल कल्चर में सब कल्चरिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक तो सेल्स को मेंटेन रखने के लिए, उनको कॉन्टिन्यूस रखने के लिए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए आप उनको टाइम एंड अगेन सब कल्चर करते हो, प्लस जो आपके एक्सेस सेल्स हैं विच आर नॉट यू आर नॉट यूजिंग एट दैट टाइम, उनको आप स्टोर कर सकते हो फॉर फ्यूचर यूज। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे ट्रिप्सिनाइजेशन की जाती है। देखिए, आप सबसे पहले ये ट्रिप्सिनाइजेशन के ऊपर आपको दिखता है, वंस यू सी कि ये आपके एक सेल्स हैं जो मोनोलेयर में इस फॉर्म में आपको दिख सकते हैं एक फ्लास्क में। जैसे ही आपने ट्रिप्सिन डाला, तो ट्रिप्सिन के एक्शन से ये सेल्स जो है ये डिटैच होना शुरू होते हैं। तो डिटैच कैसे दिखेगा, पहले ये अपने जो अपनी मॉर्फोलॉजी है इसको छोड़ना लग जाते हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर मॉर्फोलॉजी में है और यहाँ पे ये राउंड होना शुरू हो गए। एंड व्हेन ट्रिप्सिन इज कम्प्लीटली डन, ट्रिप्सिन ने अपना काम पूरा कर लिया, तो ये सारे सेल्स राउंडेड फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे, एंड दे विल डिटैच फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड दे कैन बी टेकन आउट यूजिंग मीडिया। मीडिया को लेके उसको सस्पेंड करके आप उस फ्लास्क से, उस वेसल से बाहर निकाल सकते हैं। सो मैंने कहा कि अगर आपने जब सेल्स को अगर आगे चलाना है तो ठीक है, आगे आपने उसको 1 से 3 फ्लास्क में डाल दिया, 1 से 5 फ्लास्क में डाल दिया, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपेरिमेंट। अगर आप उस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम को एक्सपेरिमेंट प्लान नहीं कर रहे और आपने सेल्स को सिर्फ ग्रोथ डेवलपिंग या प्रोलिफरेशन में रखना है, तो उस केस में आप एक फ्लास्क से निकाल के 5 फ्लास्क जितने मटेरियल में उसको डिवाइड करेंगे, देन आप एक फ्लास्क को इनोकुलेट करके बाकी जो 4 फ्लास्क का मटेरियल आपने इनोकुलम रखा उसको आप सेव कर लेंगे बाय टेक्निक कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आप सेल्स को क्रायो प्रिजर्व फॉर्म में रखते हो फॉर लॉन्गर स्टोरेज। तो एक्सेस सेल जितने भी आपके हैं, दे कैन बी यूज, दे कैन बी स्टोर्ड एंड यूज एज स्टॉक्स फॉर लेटर रेफरेंस। तो आपके सस्पेंशन जो आपने अभी निकाली एक फ्लास्क में से, ट्रिप्सिनाइजेशन करके आपने सेल सस्पेंशन निकाली, अगर आपने इसको ग्रो करना है फर्दर, तो एज सच उसको आप नए फ्लास्क में डाल देंगे। अगर आपने इसको ग्रो नहीं करना है, तो उस सस्पेंशन में आपने कुछ केमिकल्स ऐड करने हैं जो उसको स्टोरेज में हेल्प करेंगे। क्योंकि जब आप सेल्स को बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हो, तो लो टेम्परेचर की वजह से सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, जो मोस्टली वाटर होता है, इट कैन फॉर्म आइस क्रिस्टल्स। और अगर आइस क्रिस्टल्स बन जाए, तो जो सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं वो पंचर हो सकते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं। इन सभी चीजों से सेल की जो वायबिलिटी है, जो आपने स्टोर तो कर दिया, लेकिन जब आप उसको दोबारा से रिवाइव करने, दोबारा से ग्रो करने जाओगे, तो वो सेल जो है मर जाएंगे। वो रिवाइव उतने सारे सेल्स आपको हेल्दी वापस नहीं मिलेंगे, बहुत सारे सेल जो है इन बिटवीन मर जाएंगे अगर आपने कोई क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट नहीं डाला हो। तो 2 कॉमन क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट जो हम डालते हैं, सबसे कॉमन तो आपका DMSO है, उसके अलावा आप ग्लिसरॉल डाल सकते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि कम से कम सेल्स इंजर्ड हों व्हेन यू
फ्रीज देम डाउन एंड अगेन व्हेन यू रिवाइव देम, तो उस दौरान इस प्रोसेस के दौरान कम से कम सेल्स जो है वो इंजोर्ड हों और हेल्दी सेल्स आपको, लिविंग सेल्स, वायबल सेल्स आपको मिले जब आप उसको दोबारा से रिवाइव करो इन केस यू नीड टू रिवाइव योर स्टॉक्स। अगर आपका जो प्रेजेंट कल्चर है वो खराब हो गया, आपको स्टॉक से काम करना है, तो जब आप स्टॉक निकालो तो वो उसमें सेल्स जो हैं वायबल मिले हैं आपको, इसलिए हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स डालते हैं। तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन की जाती है स्पेशल छोटी सी ट्यूब्स होती हैं, अराउंड 1.5 टू 2 ml की ट्यूब होती है, इसको हम क्रायो वाइल्स कहते हैं। तो क्रायो वाइल्स में सेल्स डालने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूं। तो वंस दिस इज द क्रायो वाइल, तो जब क्रायो वाइल्स में आपके सस्पेंशन आ जाती है, इस सस्पेंशन में आपने क्रायो प्रोटेक्टेंट भी डाल रखा है, इसको आपने पहले इस छोटे से बॉक्स में डालना है। इस बॉक्स में फिल रहता है आइसोप्रोपेनॉल, ये आइसोप्रोपेनॉल कूलर है, इसमें आइसोप्रोपेनॉल डाल के रखा है और यहाँ पे आप ट्यूब्स ऐसे जैसे इसने प्लेस कर रखी हैं, ऐसे आप ट्यूब्स प्लेस कर सकते हैं। तो वंस यू हैव पुट इट इन द आइस दिस आइसोप्रोपेनॉल कूलर, इसको आप एक रेफ्रिजरेटर में, बड़े फ्रीजर में शिफ्ट करते हैं, प्रेफरेबली ये आपका -80 डिग्री का फ्रीजर होता है। तो आइसोप्रोपेनॉल वाले कूलर में डालने का, इसको क्यों डायरेक्टली हमने फ्रीजर में नहीं डाला, क्यों हमने आइसोप्रोपेनॉल वाले चेंबर में डाला, क्योंकि आइसोप्रोपेनॉल का जो टेम्परेचर है वो जाता है -1 डिग्री पर मिनट के हिसाब से नीचे। तो मतलब इसको 80 डिग्री पे आने के लिए, इस ट्यूब के टेम्परेचर को -80 पे आने के लिए लगभग -80 मिनट्स लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि क्या यहाँ पे ग्रेजुअल कूलिंग होगी, ग्रेजुअल कूलिंग प्लस आपने क्रायो प्रोटेक्टेंट डाला, जिससे इसमें आइस क्रिस्टल बनने की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और आपका जो इवेंचुअली जब आपने इसको वापस थॉ करना है, जब इसको वापस आपने रिवाइव करना है, तब आपके सेल्स आपको हेल्दी मिले, इसलिए पूरा प्रोसेस है कि पहले आप इस वायल को एक ऐसे चेंबर में डालें जिसमें आइसोप्रोपेनॉल रहेगा। आइसोप्रोपेनॉल की मदद से इसका टेम्परेचर जो है वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा, -1 डिग्री पर मिनट के हिसाब से नीचे जाएगा और 80 मिनट्स के अराउंड आपका ये सेल्स जो है -80 पे आ जाएंगे। इन सेल्स को आपने इस -80 वाले कूलर में लगभग 2 दिन रखना है, और 24 आवर्स भी काफी है, लेकिन 24 आवर्स से ज्यादा रखना है। वंस दे आर एड इन दिस कूलर, इन दिस रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स, उसके बाद आपने इन सेल्स को सेफली शिफ्ट करना है टू लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर। लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में ऐसे बॉक्सेस रहते हैं जिनमें आपने इन वायल्स को लगा देना है, ऐसे बॉक्सेस में प्रॉपरली लेबल्ड बॉक्सेस, उसमें आपने अपनी वायल को प्रॉपरली लेबल करके सेल का नाम लिख के, कौन सा इसका जनरेशन है उसका नाम लिख के, सोर्स क्या है, किसने सेव किया, किस डेट को स्टोर किया, ये सब डिटेल्स लिख के आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। और इस बॉक्स को फिर इस कंटेनर के अंदर, यहाँ पे दिख रहा है ये कंटेनर लिक्विड नाइट्रोजन निकलती हुई बाहर, इस कंटेनर में डाल देना है। इस तरह का रैक्स बने होते हैं, 10 बॉक्स आ जाते हैं इसमें। तो इस रैक में आपका बॉक्स, आपके बॉक्स में आपकी वायल, वो प्रॉपरली लेबल्ड, वो इस कंटेनर में जाएंगी और इस कंटेनर में रहती है लिक्विड नाइट्रोजन, जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हेल्प करती है इन सेल्स की। तो इनकेस आपको कभी दोबारा सेल्स चाहिए, आपके जो करंट स्टॉक्स हैं, जो करंट आप सेल चला रहे हो, वो अच्छे नहीं ग्रो कर रहे हो, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं रही या वो कंटामिनेट हो गए, तो आपको अपने स्टॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो आपने तब अपने इस बॉक्स में से अपना स्टॉक लेना है, उसको थॉ करना है, उसको आप थॉ करोगे, यहां मैंने दिखाया है कैसे थॉ करते हैं आप। तो आपने सेल लाइन का डेटा जो आपने उस पे डेट्स, जो आपने उस पे डेटा लिख रखा है, कौन सी सेल लाइन किस पसाज पे या किस जनरेशन पे, उसको आपने निकालना है बाहर, उसको प्रॉपरली थॉ करना है एट 37 डिग्री यूजिंग ए वाटर बाथ। एक वाटर बाथ में उस वायल को थोड़ा सा सस्पेंड करना है, उसके बाद उस वायल को वापस स्टराइल, अल्कोहल से स्टराइल करके वापस ले आना है, और एक फ्लास्क में, जिसमें फ्लास्क में ऑलरेडी आपका वार्म मीडिया या रूम टेम्परेचर का मीडिया पड़ा होगा, उसमें आप अपने सेल्स को थॉ करने के बाद, व्हेन द सेल्स आर थॉड, आपने उन सेल्स को पाइपेट की मदद से उस टेम्परेचर, उस फ्लास्क में डाल देना है। उस फ्लास्क में डालने के बाद ओवरनाइट उसको आप रखिए, उसको ओवरनाइट रखने के बाद अगले दिन आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो जो सेल्स आपके लिविंग होंगे वो अटैच हो चुके होंगे, और जो सेल्स आपके लिविंग नहीं होंगे वो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे। तो अगर आपका एडहेरेंट कल्चर है तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप अपना जो मीडिया है उसको डीकेंट करें, फ्लास्क में वही सेल रह जाएंगे आपके जो लिविंग होंगे, और उसको फ्रेश मीडिया सप्लाई कर दीजिए ताकि वो सेल्स फ्रेश मीडिया के अंदर फिर से ग्रो करना शुरू कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आउटलाइन दी कैसे आप एक ग्रोइंग सेल कल्चर से को मेंटेन कर सकते हो, को सब कल्चर कर सकते हो, एक फ्लास्क से निकाल के 2 फ्लास्क, 3 फ्लास्क, 5 फ्लास्क में डाल सकते हो, और अगर आपको इतने सेल्स नहीं चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उन सेल्स को यूज करके आप स्टोरेज बना सकते हो फॉर फ्यूचर यूज, इन केस योर कल्चर बिकम्स कंटेमिनेटेड, उसकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके रिजल्ट्स आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशंस आपके रेप्लिकेट नहीं हो रहे, तो आपको वापस जाना है उसी जनरेशन पे जिस जनरेशन पे आपके रिजल्ट आए थे, तो आप हमेशा स्टॉक्स को यूज कर सकते हो विच आर मेड बाय यू ओनली एंड स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन।
ऑल्सो अगर हम कोई सेल लाइन खरीदते हैं किसी एजेंसी से या बाहर से लाते हैं सेल लाइन, तो वो भी आपको फ्रोजन कल्चर देते हैं जिसको आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है थॉ करने की इन एंड मेक. आप अपने पास अगर स्टॉक्स बनाना चाहते हो तो आप कल्चर लेके आते हो, पहले उसको रिवाइव करते हो एंड देन सेम प्रोसेस रिपीट करनी है अपने आप के लिए, अपने खुद की लैब के लिए स्टॉक्स बनाने की. तो दिस वॉज अबाउट सब कल्चरिंग ऑफ सेल्स एंड मेकिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ द सेल्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन. अभी तक हमारा इतना कवर हो गया, आगे चलते हैं. आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का, दैट कवर्स द एनिमल सेल लाइंस, कॉमनली यूज्ड एनिमल सेल लाइंस. यहाँ मैंने एक लिस्ट दे रखी है कॉमनली यूज्ड. आप देखेंगे यहाँ पे HEK293 है, यहाँ पे FR2 है. ये दो नॉर्मल सेल लाइंस है, मींस दे आर नॉट कैंसरस. दे आर सेल लाइंस, दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड बट दे आर नॉट कैंसरस. उनका जो डेरिवेशन है वो नॉर्मल टिश्यू से आते हैं, एक किडनी से आता है, एक ब्रेस्ट एपिथीलियम से आता है. उसके बाद आपके हीला सेल्स हैं, आपके K562 सेल्स हैं, आपके पास MDMB सेल्स हैं, ये वेरियस कैंसर से आए हैं, A549. तो इनकी जो स्टार्टिंग टिश्यू है वो कैंसर है, वो कैंसरस टिश्यू से ओरिजिनेट करते हैं. तो इनको ट्रांसफॉर्म्ड नहीं किया, ये ऑलरेडी कैंसरस टिश्यू से हैं, तो दे कीप ग्रोइंग. वेरैज जब नॉर्मल सेल्स आप लेते हो उनको सेल लाइन की फॉर्म में लाने के लिए दे नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड. तो दीज आर सेल लाइन्स टू नॉर्मल एंड रेस्ट जो आपकी हैं बड़ी सारी इसमें से कैंसरस हैं और कुछ इनमें से नॉर्मल भी हैं. अब क्यों हम सेल लाइन्स को यूज करते हैं? सेल लाइन को हम यूज करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड अस ए गुड मॉडल सिस्टम फॉर स्टडीज, ड्रग स्क्रीनिंग या कुछ और भी चीज. ऑल्सो इन सेल लाइन्स को यूज करके हम इनसे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं. एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो आपका ब्रांच है जिसमें आप ह्यूमन बेनिफिट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनवा रहे हो, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं. जैसे ह्यूमन ट्यूमर से आप कोई जो भी लोगे उसमें आप एंजियोजेनिक फैक्टर्स निकाल सकते हो, आप इंटरफेरॉन्स निकाल सकते हो, यूरोकाइनेज एंजाइम निकाल सकते हो, आप ह्यूमन प्रोटीन HPC, कैनाइन डिस्टेंपर वैक्सीन, फूट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन, ये बड़े सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो आप सेल लाइन, जैसे फूट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन कव किडनी सेल लाइन से बनेंगी. इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास चिकन एम्ब्रियो फ्लूइड, अगर आप वहां उसकी सेल लाइन, वहां से सेल लाइन ड्राइव करते हो तो इट कैन हेल्प यू इन मेकिंग वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड मम्प. देन यू कैन मेक वैक्सीन, यू कैन मेक एंजाइम, यू कैन मेक ग्रोथ फैक्टर्स. आप इन सेल लाइन की मदद से वाइड वैरायटी ऑफ चीजें जो हैं ऑफ ह्यूमन इंपॉर्टेंस डिराइव कर सकते हो. प्लस ऑल्सो दीज सेल लाइन्स ऑल्सो सर्व एज ए मॉडल सिस्टम फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक ड्रग स्क्रीनिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट और द थर्ड पार्ट ऑफ अवर प्रेजेंटेशन इज द सेल सेपरेशन. नाउ सेल सेपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच वी फॉलो, विच इंक्लूड्स, जैसे आपके पास एक सेल सस्पेंशन है, इट कंटेन्स मिक्स्ड टाइप ऑफ सेल्स. What you need is to get a single type of cell. तो कैसे करेंगे, जैसे mixed population में से आपने अगर ये आपने चार अलग populations isolate कर ली, this is called cell separation. जैसे आपके पास blood है तो blood में आपके पास you have lot of cells, you have RBCs, WBCs and WBCs में भी various subtypes हैं. तो उनको अगर आपने separate करना है तो आपके पास you need to be having a technique जिससे आप cells को isolate कर सको. तो आपकी various techniques जो useful होती है, जैसे magnetic isolation है, density centrifugation, density gradient centrifugation, and then you have to have a very important tool, that is a flow cytometry tool. तो इन तीनों tools की मदद से आप cells को एक heterogeneous population से homogeneous populations में convert कर सकते हो. आप heterogeneous जो है mixture से अलग अलग set of cells निकाल सकते हो. तो सबसे पहले आपका max या magnetic activated cell sorting. तो max में आपके पास basically कुछ beads होती हैं, micro beads जिनको हम बोलते हैं. उन beads में क्या होता है, आपके पास मैग्नेटिक बीड्स हैं, उनके साथ आपने एंटीबॉडीज लगाई हैं और वो एंटीबॉडीज स्पेसिफिक हैं जो सेल आप चाहते हो उसके लिए. उस सेल के सरफेस पे जो भी रिसेप्टर है उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है मैग्नेटिक बीड्स के साथ. तो ये इन बीड्स को आप इस तरह से यूज करते हो, एक आपके चेंबर में फिल रहती हैं ये बीड्स. आपके ये दो सेल हैं, ये आपका टारगेट सेल डिनोट किया है, इसके ऊपर आपके एपिटोप्स दिख रहे हैं, और ये ग्रीन वाला आपका जो है नॉन टारगेट सेल है, और ये मैग्नेटिक बीड्स हैं जो एंटीबॉडी से कपल्ड है. तो जैसे ही आपने अपनी सेल सस्पेंशन को डाला और साथ में एंटीबॉडीज डाली, या सेल सस्पेंशन पड़ी आपकी, ये एंटीबॉडी वाली बीड्स डाल दी, जब आपने इनको इंक्यूबेट किया फॉर 15-30 मिनट्स, तो आपके जितने भी सेल्स हैं, आपके जितने भी सेल ऑफ इंटरेस्ट है, एंटीबॉडी विल गो एंड बाइंड इट, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो. तो दिस इज हाउ द सेल्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बीड्स which contain the antibodies specific to your cells. Number two is flow cytometry. This is an equipment called flow cytometer. Let's discuss first density gradient. So this is density gradient centrifugation. For example, we use this technique very commonly. We use Fickol's reagent.
for differentiating or separating out different cells in the blood. So if you say this is a blood sample and we have filled a phycol reagent here, when we centrifuge it, so the layers of the blood, they separate out like this. Erythrocytes settle at the bottom, followed by granulocytes, then phycol, then monocytes, and then plasma. So these layers can be separated out by using this reagent and centrifugation. These layers separate out based on their densities. जो जितना heavy होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा और जो जितना light होगा वो ऊपर रहेगा. तो आप देखिए सबसे ज्यादा ऊपर की layer जो plasma की layer है, इसमें cytokines मिल जाएंगे, इसमें hormones मिल जाएंगे, इसमें salts मिल जाएंगे आपको. जो mononuclear cells हैं उसमें आपको lymphocytes मिल जाएंगे और monocytes मिल जाएंगे. जो बीच का आपका phycol वाला region रहेगा और जो नीचे आपका erythrocytes, उसमें आपके पास erythrocytes मिल जाएंगे, उसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स और ओसिनोफिल्स भी मिल जाएंगे आपके पास बॉटम लेयर में. तो बाय दिस टेक्निक सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड यूजिंग दिस रिएजेंट व्हिच अलाउज द ब्लड सैंपल टू सेटल बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटीज, डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, तो ये आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन से. दिस इज नोन एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. इससे भी आप सेल्स को सेपरेट कर सकते हो. And last and the most important, as I told you, is the flow cytometry. Very complex instrument. As you see, इसके नाम को मैंने breakdown किया. Flow का मतलब होता है when cells are in motion. Cyto means cell and metry is to measure. तो roughly इसकी definition इस flow cytometry की है कि आप cells की property को identify कर रहे हो and कब identify कर रहे हो. You are making them to flow in a fluid, in a beam-like structure, in a stream, and then you are identifying कि कौन सा cell क्या है. तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगा. ये एक सैंपल आ रहा है विच कंटेन मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल सेल टाइप्स, और फिर एक लेजर बीम है. आपने सेल्स को एक स्ट्रीम में फ्लो कराना है, एक स्ट्रीम में आप पूरा सैंपल आपका आ रहा है, एंड देन यू आर फोर्सिंग देम टू फ्लो इन ए स्ट्रीम विच कंटेन सिंगल सेल. सिंगल सेल की फॉर्म में वो फ्लो कर रहे हैं और एक लेजर वाला सेटअप है जो हर एक सेल की इंटेंसिटी को या हर एक सेल की फ्लोरिसेंस को नाप रहा है, या हर एक सेल को जब हिट करता है तो डिफरेंट फ्लोरिसेंस देता है. इसके बेसिस के ऊपर कौन से सेल कितने फ्लोरिसेंस दे रहे हैं, आप इन सेल्स को अलग कर सकते हो. तो बेसिकली आपका साइटोमेट्री क्या करता है, इट द सेल्स इन अ सस्पेंशन फ्लो इन अ सिंगल फाइल और सिंगल बीम और सिंगल स्ट्रीम एंड एन्यूमरेटेड वॉल्यूम वेयर सेल्स स्कैटर लाइट एंड अमिट फ्लोरिसेंस. तो जब सेल के साथ हिट करती है फाइल थ्रू आप एक बीम से, एक लाइट सोर्स से या एक लेजर के सोर्स से वो फ्लो करते हैं. हर एक सेल को जब वो लाइट सोर्स हिट करती है तो वो हर एक सेल डिफरेंट तरह की फ्लोरिसेंस देता है. सेम सेल्स सेम फ्लोरिसेंस देंगे, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फ्लोरिसेंस देंगे, और उन फ्लोरिसेंस सिग्नल्स को यूज करके आप एक इलेक्ट्रिकल डिजिटल वैल्यूज क्रिएट करते हो कंप्यूटर के ऊपर. एज यू सॉ द डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे एक पूरे सिस्टम के साथ यू हैव दीज टू स्क्रीन्स विच विल convert whatever is going on in this machine into digital data, जिसको हम फिर बाद में analyze कर सकें. तो on this basis आप cells सारे differentiate कर सकते हो. Even आप एक cell population में कितने cell apoptotic हो गए हैं, कितने cell normal हैं, कितने cell already मर चुके हैं, कितने apoptosis में enter कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी proper antibodies use करके आप identify कर सकते हो using flow cytometry. So flow cytometry is a very important tool. It's a very important tool to identify whether there are flaws in cells, whether the cells is undergoing death, apoptosis, or even aap different cell populations ko sort karne ke liye, alag alag ek pure mixture ko alag alag do teen tubes mein lene ke liye, aap do teen tubes ya do teen, agar ek mixture mein 5 tarah ke different cells hain, to aapko at the end of this technique you'll have 5 different tubes containing 5 different type of cells which were earlier put together in a single tube. तो ये बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत हाई एंड इंस्ट्रूमेंट है फ्लो साइटोमीटर. सो दिस इज हाउ वी सेपरेट सेल्स, दिस इज हाउ वी सेपरेट सेल्स यूजिंग दीज थ्री टेक्निक्स, मैग्नेटिक असिस्टेड सेल सॉर्टिंग, देन यू हैव डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड देन यू हैव फ्लो साइटोमेट्री. थ्री टेक्निक्स वेरी यूजफुल इन सेल सेपरेशन, फ्रॉम द बेसिक सेंट्रीफ्यूगेशन टू हाई एंड cytometry also. So in this lecture I hope you have understood what is subculturing, what is trypsinization, how animal cell lines are useful to us, what are different cell lines we commonly use in the lab, and a brief about cell separation also. In the lecture I will be taking topics regarding characteristics of the cells when we grow them in culture, and some other topics regarding cell growth kinetics also. So I hope this is helpful to you, and make use of your time properly. Thank you so much.